मनीष तिवारी की खुली बगावत, कहा कांग्रेस मुक्त भारत को देख सकती है पार्टी। जी हां, आपको बता दे कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी असंतुष्टों के जीते समूह का हिस्सा है, जो पार्टी के संगठनात्मक सुधार और अधिक जवाबदेही पर जोर दे रहे हैं। वह बुधवार को जारी एक पत्र के 18 हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे, जिसमें सभी स्तरों पर सामूहिक और समावेशी नेतृत्व और निर्णय लेने का मॉडल का आह्वान किया गया था। उन्होंने मनोज सीजी से अपनी पार्टी के अस्तित्व के संकट के बारे में बात और यह हमेशा की तरह व्यवसाय नहीं हो सकता के बारे में बात। पार्टी के 18 वरिष्ठ नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के आवास पर मुलाकात की, जिसमें 5 पूर्व मुख्यमंत्री, 7 पूर्व केंद्रीय मंत्री और अन्य मौजूदा और पूर्व सांसद शामिल थे। होली के कारण देश भर से कई अन्य साथी नहीं आ सके। जारी चुनावों उलटफेरों पर गहरी चिंता थी, खासकर जब हमने कुछ महत्वपूर्ण सुधारों को चिन्हित करते हुए एक पत्र लिखा था जो पार्टी को फिर से जीवंत करने के लिए आवश्यक थे। तब से कांग्रेस 11 राज्यों में हार चुकी है। स्पष्ट रूप से एक समस्या है जमीनी हकीकत और निर्णय लेने के बीच का अंतर। दिलचस्प बात यह है कि जब हम विचार विमर्श कर रहे थे तो खबर आई कि जिन राज्यों में हम हारे हैं वहाँ चुनाव के बाद की स्थिति का आकलन करने के लिए 5 सहयोगियों को नियुक्त किया गया है। नामों पर अविश्वास की सामूहिक भावना थी, जैसे कि समूह के एक प्रख्यात वकील ने टिप्पणी की, नैसर्गिक न्याय का एक प्राथमिक सिद्धांत है, आप कभी भी अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकते। इनमें से अधिकतर प्रमुख राज्यों की टिकट वितरण स्क्रीनिंग समितियों के अध्यक्ष थे, जहां हमें हार का सामना करना पड़ा। दरअसल पंजाब के सांसदों ने जब 16 मार्च को श्रीमती सोनिया गांधी से मुलाकात की तो उन्होंने टिकट वितरण में बहुत गंभीर गड़बड़ी के मुद्दे को पंजाब में हार के प्रमुख कारणों में से एक के रूप में चिन्हित किया। यह समस्या का प्रकटीकरण है।